बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद मरियान। आज मैं आपको बताना सिखा रही हूँ जी अखरोट की चटनी बनाना, धनिया पुदीने की अखरोट वाली चटनी बनाना। बहुत ईजी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये मैंने 8 से 10 अखरोट ले लिए थे, इनको मैंने अच्छे से छील कर साफ़ कर लिया। ये देखें जी, तोड़ कर साफ़ कर लिया था। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है अजवाइन, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास ये खुशक पुदीना, हाफ़ टी स्पून है खुशक धनिया खुशक किया हुआ, और 2 जवे मेरे पास लहसुन है, 4 से 5 हरी मिर्चें, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है नमक। अब मैं आपको हवन दस्ते की मदद से बनाना सिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडर मशीन में भी बना सकते हैं। और अब हम इसमें सबसे पहले ये जो हमारे पास चीज़ें हैं, सबसे पहले खुशक मसाले ये डाल देंगे ताकि इनको कूटने में आसानी हो। और अब हम इनको बहुत ही फाइन कूट लेंगे। ये देखें जी, बहुत ही अच्छे से हमने इनको कूट लिया। वह हम इनमें हरी मिर्चें डाल देंगे और इनको भी अच्छे से कूट लेंगे। ये देखें जी, हमारी हरी मिर्चें भी अच्छे से फाइन हमने इनको कूट लिया है। और अब हम इनको इनमें ये जो हमारे पास अखरोट थे साफ़ किए हुए, थोड़े थोड़े अखरोट डालते जाएंगे और इनको साफ़ करते जाएंगे, कूटते जाएंगे। ये देखें जी इस तरीके से, क्योंकि अखरोट थोड़े चिकने होते हैं इसलिए ये कूटने में थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़े थोड़े डालते जाएंगे और इनको कूटते जाएंगे ताकि ये हमारी अच्छी सी पीस के तैयार हो जाए चटनी। ये देखें आप, कितनी हमने इसको फाइन चॉप कर लिया है, पीस लिया है। और अब हम इसमें, ये मेरे पास से 1 कप दही, बहुत ही अच्छा गाढ़ा सा दही था, इसको मैंने फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही को डालते जाएँगे और अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। ये देखें जी इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दही डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी और गाढ़ी अखरोट की चटनी बन के तैयार होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही, ये देखें जी, हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और लजीज चटनी बन के तैयार होती है। आप लोग इस तरीके से बनाएं, इन्जॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और अगली रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए।